जैसे स्किन प्रॉब्लम कितनी हो, गोधन अर्क और नीम की गोली खा लो, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। जिनके चेहरे ऐसे, कल एक माता आई परसों झारखंड से, बोले जी पूरा काला पड़ गई थी, आपने बोला था गोधन अर्क और नीम की गोली खाओ और एलोवेरा लगाओ, मैंने गोधन अर्क नीम की गोली खा ली, एलोवेरा लगा लिया, मैं तो ऐसी होगी जैसे मेरी मां ने मुझे पैदा किया था। ये प्रकृति मां का आशीर्वाद है, इसलिए हमने पतंजलि का स्लोगन क्या रखा, द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, प्रकृति का आशीर्वाद पतंजलि। तो बात समझ में आई, जो पूरी दुनिया में किसी से नहीं हुआ था, सामान्य चर्म रोग, फिर ये सोरायसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा। एक अपने श्याम शरण कुश यादव जी दिल्ली के कार्यकर्ता, उनके शरीर में ऐसे मोटे मोटे फोड़े होते और फिर छिद्र हो जाते थे, कल ही दिखा रहे थे, बोले स्वामी जी हजारों छिद्र आपने ही भरे, आपने कहा था गोधन अर्क पियो, नीम की गोली खाओ, प्राणायाम करो, मैंने अपना खान पान ठीक किया, वो सब करना शुरू कर दिया, वो छिद्र भी अब निशान मात्र रह गए हैं, और जो दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सका, एम से लेकर के पीजीआई से लेकर के वर्ल्ड के टॉप रिनाउंड जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको सबको दिखा लिया था, कोई ठीक नहीं कर पाया। जो चमड़ी के डॉक्टर है ना, उनको बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। ये रेणु की बेटी भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, बुलबुल अमृता, लेकिन वो लूट खसोट करने वाली नहीं है, ये अलग बात है। अब बताओ, नीम, गोधन अर्क, डर्माग्रीड, सोरोग्रीड, मिलिनोग्रीड, उसी का लेप बना दिया। अभी तो उसके लिए हमने दिव्य कैप्सूल भी बना दिए, दिव्य तैलम, कायकल्प तैलम एडवांस, फिर कई प्रकार के लेप बताते हैं। उसमें मूलतः होता है एलोवेरा, हल्दी, नीम, फिर मेहंदी, ये नेचुरल चीजें, मुल्तानी मिट्टी, मिट्टी, ये सब मिला करके लगाते हैं और आदमी को नया कर देते हैं। और सामान्य व्यक्ति को भी एकदम खूबसूरत बनना हो, पहले तो लेडीज ही खूबसूरत बनने के लिए चेष्टा किया करती थी, ये तो बनी या ना बनी, ये पुरुष ज्यादा सुंदर बनना चाहते हैं कॉम्पिटिशन, तो हम सबको मिट्टी में लुटाते हैं, एक एक घंटा मिट्टी पूरी लपेट करके। एक बार मैंने भी पूरा मिट्टी में लपेट करके और मैंने फोटो डाल दिया, तो किसी ने भी नहीं पहचाना, और ये बाद में पता लगा ये तो बाबा जी का मडावतार है, मड थेरापी बहुत जबरदस्त है। छोटी छोटी चीजें, धूप में बैठने के कितने फायदे, 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, तमाम तरह की डेफिशिएंसी, मात्र एक घंटा धूप में बैठने से हमारी सारी डेफिशिएंसी दूर हो जाती है और शरीर बल, मन, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल बढ़ता है।